ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है बेफिक्र बादशाह, पार्ट टू। जो सदा विजयी है उसी को ही बेफिक्र बादशाह कहा जाता है। जो अभी बादशाह बनता है वही भविष्य में बादशाह बनेंगे। अभी बेफिक्र बादशाह नहीं तो भविष्य में भी नहीं। तो राजा बनने वाले हो या औरों को राज्य करते हुए देखेंगे? स्वराज्य है तो विश्वराज्य है, ऐसे अधिकारी हो? अधीन तो नहीं होते, क्या करे, संस्कार पक्का है? ऐसे तो नहीं, चाहते नहीं, लेकिन हो जाता है। इसको कहेंगे अधीन। तो कभी अधीन तो नहीं हो जाते, क्रोध करना तो नहीं चाहते, लेकिन आ जाता है। चाहते नहीं है लेकिन मजबूर हो जाते हैं। नहीं, अधिकारी बन गए तो अधीनता समाप्त हुई। जैसे चाहे जो चाहे वह कर सकते हैं। अधिकारी के संकल्प में यह कभी नहीं आएगा कि चाहते नहीं है, हो जाता है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, हो जाएगा। इससे सिद्ध है कि अधीन है। जो अधीन होगा वह अधिकारी नहीं, जो अधिकारी होगा वो अधीन नहीं। या रात होगी या दिन होगा, दोनों इकट्ठे नहीं। अधिकार और अधीनता दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। माताएं अधिकारी बन गई, लोगों ने कहाँ फेंक दिया और बाप ने कहाँ रख दिया? लोगों ने पाँव की जूती बना दिया और बाप ने सिर का ताज बनाया। खुशी है ना? कहाँ जूती कहाँ ताज, कितना फर्क है। अभी तो शक्ति स्वरूप बन गए। पांडव भी शक्ति रूप में देखते हैं ना? शिव शक्ति भी विजयी है तो पांडव भी विजयी है। अविनाशी निश्चय अविनाशी नशा है तो सदा ही विजय निश्चित है। अव्यक्तवाणी डेट है 20th December 1992। बेफिक्र रहने के लिए बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। सदा अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो? क्योंकि फिक्र तब होता है जब मेरापन है। जब सब बाप के हवाले कर दिया तो बेफिक्र हो गए ना? सब कुछ बाप को देकर बेफिक्र बादशाह बन गए। न अपनी देह है न देह के संबंध है तो बेफिक्र हो गए ना? सब प्रकार का फिक्र बाप को दे दिया। बेफिक्र बनने के कारण फिक्र खत्म हुआ और फकूर यानी नशा आ गया। क्या होगा, कैसे होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, यह फिक्र रहता है। जब हालतें खराब होती है तब होता है। फिक्र रखने से जो भी अच्छा कर सकते हो वह भी नहीं कर सकेंगे। जिसको फिक्र हो जाता है उसकी बुद्धि यथार्थ निर्णय नहीं करती है। निर्णय ठीक न होने के कारण और ही मुश्किल बढ़ती जाती है। इसलिए सदैव बेफिक्र होंगे तो बुद्धि निर्णय अच्छा करेगी। निर्णय अच्छा हुआ तो सफलता हुई पड़ी है। देखो, आज कोई लखपति होता है और कल कखपति बन जाता है। कारण क्या होता है? निर्णय शक्ति राइट काम नहीं करती है। हाँ के बजाय ना कर दिया, ना के बजाय हाँ कर दिया तो खत्म। निर्णय शक्ति यथार्थ काम तब करेगी
जब बुद्धि खाली होगी। फिक्र से बुद्धि फ्री नहीं है तो और ही नुकसान होता है। इसलिए बेफिक्र अर्थात सदा मन और बुद्धि फ्री हो। तो ऐसे फ्री हो या कोई किचड़ा है? योग अग्नि द्वारा जो भी किचड़ा था वह जल गया। अगर अग्नि तेज नहीं होगी तो कुछ जलेगा, कुछ रह जाएगा। योग अग्नि द्वारा जो भी बुद्धि में किचड़ा था वो खत्म हो गया। जिसकी बुद्धि इतनी स्वच्छ होगी वही सदा बेफिक्र रह सकता है। इसीलिए सदा स्वच्छता सबको प्यारी है। कहाँ भी गंदगी होगी तो उसे कौन पसंद करेगा? तो किसी भी प्रकार की कमजोरी यह गंदगी है, तो सदैव चेक करो कि स्वच्छता है, मिक्स तो नहीं है, जरा सा व्यर्थ संकल्प भी किचड़ा है। अव्यक्तवाणी डेट है 31 दिसंबर 1992। सेल्फ पर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह बनो। सदा अपने को राजा समझते हो? सेल्फ पर राज्य है अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो, और दूसरे कौन से राजा हो? बेफिक्र बादशाह। बेफिक्र बादशाह इस समय बनते हो क्योंकि सतयुग में फिक्र व बेफिक्र का ज्ञान ही नहीं है। कल क्या थे और आज क्या बने हो? बेफिक्र बादशाह बन गए ना। बेफिक्र बनने से भंडारे भरपूर हो गए हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। स्वराज्य मिला, सब कुछ मिला। स्वराज्य मिला है, कभी कोई कर्मेंद्रिया तो धोखा नहीं देती, कभी कभी थोड़ा खेल करती है, तो कंट्रोलिंग पावर या रूलिंग पावर कम है। तो सदैव चलते फिरते यह स्मृति सदा रहे कि मैं स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह हूँ। बाप आया ही है आप सबके फिक्र लेने के लिए, तो फिक्र दे दिया ना, थोड़ा छिपा के तो नहीं रखा है? पॉकेट चेक करके देखो, बुद्धि रूपी मन रूपी पॉकेट दोनों ही देखो। जब है ही बाप के बच्चे तो बच्चे बेफिक्र होते हैं, क्योंकि बाप दाता है तो दाता के बच्चों को क्या फिक्र है? अव्यक्तवाणी डेट है 18 फरवरी 1993। अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप को देकर बेफिक्र बादशाह बनो। सदा अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो या थोड़ा थोड़ा फिक्र है? क्योंकि जब बाप ने आपकी जिम्मेवारी ले ली तो जिम्मेवारी का फिक्र क्यों? अभी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाप के साथ साथ चलते रहने की। वह भी बाप के साथ साथ है, अकेले नहीं, तो क्या फिक्र है? कल क्या होगा ये फिक्र है? जॉब का फिक्र है? दुनिया में क्या होगा ये फिक्र है? क्योंकि जानते हो कि हमारे लिए जो भी होगा अच्छा होगा, निश्चय है ना? पक्का निश्चय है या हिलता है कभी? जहाँ निश्चय पक्का है वहाँ निश्चय के साथ विजय भी निश्चित है। ये भी निश्चय है ना कि विजय हुई पड़ी है? या कभी सोचते हो कि पता नहीं होगी या नहीं? क्योंकि कल्प कल्प के विजयी है और सदा रहेंगे। ये अपना यादगार कल्प पहले वाला अभी फिर से देख रहे हो। इतना निश्चय है ना
कि कल्प कल्प के विचयी है, इतना निश्चय है? कल्प पहले भी आप ही थे या दूसरे थे? तो सदा यही याद रखना कि हम निश्चय बुद्धि विजयी रत्न हैं। ऐसे रत्न हो जिन रत्नों को बाप दादा भी याद करते हैं, ये खुशी है ना? बहुत मौज में रहते हो ना? अव्यक्तवाणी डेट है 26 मार्च 1993। चिंताओं से फ्री, सदा निश्चिंत व बेफिक्र बादशाह रहने के लिए निश्चय बुद्धि बनो। सदा अपने को कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा अनुभव करते हो? अनेक बार यह अधिकार प्राप्त किया है और आगे के लिए भी निश्चित है कि कल्प कल्प करते ही रहेंगे, यह पक्का निश्चय है ना? क्योंकि निश्चय है इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन। अगर निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो कभी भी हिलेंगे नहीं, चाहे कितने भी तूफान आ जाए, चाहे कितने भी भूकंप हो जाए, लेकिन हिलेंगे नहीं, क्योंकि फाउंडेशन पक्का है। अभी भी देखो, प्रकृति का भूकंप आता है तो कौन सी बिल्डिंग गिरती है? जो कच्ची होती है, पक्के फाउंडेशन वाली नहीं गिरेगी। तो आपका फाउंडेशन कितना पक्का है? हिलने वाला है क्या? हिलेगी नहीं, लेकिन थोड़ी दरार आ जाएगी, थोड़ी भी नहीं, क्योंकि कोई तो गिर जाते हैं, कोई गिरते नहीं, लेकिन थोड़ी दरार आ जाती है। तो आप उनसे भी पक्के हो। तो निश्चय की निशानी है हर कार्य में, मनसा में भी, वाणी में भी, कर्म में भी, संबंध संपर्क में भी, हर बात में सहज विजय हो। मेहनत करके विजयी बने वह विजय नहीं है, सहज विजयी। तो निशानी दिखाई देती है या विजय प्राप्त करने में मेहनत लगती है? कभी सहज, कभी मेहनत, लेकिन निश्चय की निशानी है सहज विजय। अगर मेहनत लगती है तो समझो कुछ मिक्स है, संशय नहीं भी हो लेकिन कुछ व्यर्थ मिक्स है, इसलिए सहज विजय नहीं होती। नहीं तो विजय निश्चय बुद्धि आत्माओं के लिए तो सदैव रेडी है, उसका स्थान ही वह है। जहाँ निश्चय है वहाँ विजय होगी, निश्चय वालों के पास ही जाएगी ना? तो निश्चय सब बातों में चाहिए, सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, लेकिन अपने आप में भी निश्चय, ब्राह्मण परिवार में भी निश्चय, ड्रामा के हर दृश्य में भी निश्चय, तभी कहेंगे कि संपूर्ण निश्चय बुद्धि। अगर बाप में निश्चय है लेकिन अपने में नहीं है, चलते चलते अपने से दिल शिकस्त होती है, तो निश्चय नहीं है, तब तो होते हैं, तो वह भी अधूरा निश्चय हुआ। बाप में भी है, अपने आप में भी है, लेकिन परिवार में नहीं है, परिवार के कारण डगमग होते हैं, तो भी अधूरा निश्चय कहेंगे। ड्रामा में भी फुल निश्चय हो, जो हुआ सो अच्छा हुआ, इसको कहते हैं ड्रामा में निश्चय। ऐसे संपूर्ण निश्चय बुद्धि है, कभी तो फुल है, कभी आधा है। जब अनेक बार का नशा है तो अनेक बार विजयी बने हो, अब रिपीट कर रहे हो, कोई नई बात नहीं कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, तो रिपीट करना तो सहज होता है ना? तो निश्चय बुद्धि विजयी सदा यह स्मृति में रहे, निश्चय भी है और विजय भी है।
ये नशा हो कि हमारी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी। विजय है और सदा होगी तो अटल निश्चय हो। टलने वाला नहीं हो, थोड़ी सी बात हुई और निश्चय अटल नहीं रहे, ऐसा निश्चय नहीं हो। अटल निश्चय तो अटल विजय होगी। विजय की भावी टल नहीं सकती, अटल है। तो ऐसे निश्चय बुद्धि सदा हर्षित रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि चिंता खुशी को खत्म करती है, और निश्चिंत है तो खुशी सदा रहेगी। तो निश्चय बुद्धि की दूसरी निशानी है निश्चिंत। नहीं तो थोड़ी बात भी होगी तो चिंता होगी कि ये क्या हुआ, ये ऐसा हुआ। इस क्यों क्या से भी निश्चिंत, क्या क्यों कैसे, ये चिंता की लहर है। अभी बड़ी चिंता नहीं होगी, इस रूप में होगी। होना नहीं चाहिए था, हो गया। ऐसा वैसा क्यों क्या कैसा, ये शब्द बदल जाते हैं। तो ऐसा है कि कभी कभी क्वेश्चन मार्क होता है। कई कहते हैं ना कि मेरे पास ही ये क्यों होता है, मेरे से ही क्यों होता है, मेरे पीछे ये बंधन क्यों है, मेरे पीछे माया क्यों आती है, मेरा ही हिसाब किताब कड़ा है क्यों। तो क्यों आना आना चिंता की लहर है। तो इस चिंताओं से भी परे, इसको कहा जाता है निश्चिंत। तो कौन हो, निश्चिंत हो या थोड़ी थोड़ी क्यों क्या है। निश्चिंत आत्मा का सदा स्लोगन है, अच्छा हुआ, अच्छा है और अच्छा ही होना है। बुराई में भी अच्छाई अनुभव करेंगे, बुराई से भी अपना पाठ पढ़ लेंगे, बुराई को बुराई के रूप में नहीं देखेंगे। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि निश्चिंत। चिंता शब्द से भी अविद्या हो, जैसे गायन है ना इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसे चिंता की भी अविद्या हो। चिंता क्या होती है यह अनुभव नहीं हो, तो ऐसी अवस्था, इसको कहा जाता है निश्चिंत। कोई भी बात आए तो क्या होगा, नहीं आएगा, फौरन ही यह आएगा अच्छा होगा, बीत गया अच्छा हुआ। जहाँ अच्छा है वहाँ सदा बेफिक्र बादशाह है। तो निश्चय बुद्धि का अर्थ है बेफिक्र बादशाह। तो ऐसे होते हैं तो भी अधूरा निश्चय कहेंगे। ड्रामा में भी फुल निश्चय हो, जो हुआ सो अच्छा हुआ, इसको कहते हैं ड्रामा में निश्चय। ऐसे संपूर्ण निश्चय बुद्धि है, कभी तो फुल है कभी आधा है। जब अनेक बार का नशा है तो अनेक बार विजयी बने हो, अब रिपीट कर रहे हो, कोई नई बात नहीं कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो। तो रिपीट करना तो सहज होता है ना। तो निश्चय बुद्धि विजयी सदा यह स्मृति में रहे। निश्चय भी है और विजय भी है। ये नशा हो कि हमारी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी। विजय है और सदा होगी तो अटल निश्चय हो। टलने वाला नहीं हो, थोड़ी सी बात हुई और निश्चय अटल नहीं रहे, ऐसा निश्चय नहीं हो। अटल निश्चय तो अटल विजय होगी। विजय की भावी टल नहीं सकती, अटल है। तो ऐसे निश्चय बुद्धि सदा हर्षित रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि चिंता खुशी को खत्म करती है, और निश्चिंत है तो खुशी सदा रहेगी। तो निश्चय बुद्धि की दूसरी निशानी है
निश्चिंत, नहीं तो थोड़ी बात भी होगी तो चिंता होगी कि ये क्या हुआ, ये ऐसा हुआ, इस क्यों क्या से भी निश्चिंत। क्या, क्यों, कैसे, ये चिंता की लहर है। अभी बड़ी चिंता नहीं होगी, इस रूप में होगी, होना नहीं चाहिए था, हो गया, ऐसा, वैसा, क्यों, क्या, कैसा, ये शब्द बदल जाते हैं। तो ऐसा है कि कभी कभी क्वेश्चन मार्क होता है, कहीं कहते हैं ना कि मेरे पास ही ये क्यों होता है, मेरे से ही क्यों होता है, मेरे पीछे ये बंधन क्यों है, मेरे पीछे माया क्यों आती है, मेरा ही हिसाब किताब कड़ा है क्यों। तो क्यों आना माना चिंता की लहर है। तो इस चिंताओं से भी परे इसको कहा जाता है निश्चिंत। तो कौन हो, निश्चिंत हो या थोड़ी थोड़ी क्यों क्या है। निश्चिंत आत्मा का सदा स्लोगन है, अच्छा हुआ, अच्छा है और अच्छा ही होना है। बुराई में भी अच्छाई अनुभव करेंगे, बुराई से भी अपना पाठ पढ़ लेंगे, बुराई को बुराई के रूप में नहीं देखेंगे। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि निश्चिंत। चिंता शब्द से भी अविद्या हो, जैसे गायन है ना, इच्छा मात्रम अविद्या। ऐसे चिंता की भी अविद्या हो, चिंता क्या होती है यह अनुभव नहीं हो, तो ऐसी अवस्था इसको कहा जाता है निश्चिंत। कोई भी बात आए तो क्या होगा, नहीं आएगा, फौरन ही यह आएगा, अच्छा होगा, बीत गया, अच्छा हुआ। जहाँ अच्छा है वहाँ सदा बेफिक्र बादशाह है। तो निश्चय बुद्धि का अर्थ है बेफिक्र बादशाह। तो ऐसे है या थोड़ा थोड़ा फिक्र कभी आ जाता है, तो बेफिक्र बादशाह ही बाप समान है। बाप को फिक्र है क्या, इतना बड़ा परिवार होते भी फिक्र है क्या, सब कुछ जानते हुए देखते हुए बेफिक्र। ऐसे बेफिक्र हो, माताएं बेफिक्र हो या प्रवृत्ति में जाकर थोड़ा फिक्र हो जाता है, वायुमंडल में जाकर थोड़ा प्रभाव पड़ जाता है। वायुमंडल का प्रभाव नहीं पड़ता, अपना प्रभाव वायुमंडल पर डालो, वायुमंडल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़े, क्योंकि वायुमंडल रचना है, आप मास्टर रचता हो। वायुमंडल बनाने वाला कौन, मनुष्यात्मा। तो रचता हो गया ना, तो रचता के ऊपर रचना का प्रभाव नहीं हो, लेकिन रचता का रचना के ऊपर प्रभाव हो। तो कोई भी बात आए तो यह याद करो कि मैं विजयी आत्मा हूँ। अव्यक्तवाणी डेट है 9th दिसंबर 1993। एकरस स्थिति का अर्थ ही है कि एक द्वारा सर्व संबंध सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। तो अनुभव होता है कि बीच बीच में और कोई संबंध भी खींचता है। जब सर्व संबंध एक द्वारा अनुभव होता है तो दूसरे संबंध में आकर्षण होने की तो बात ही नहीं है। सर्व संबंध का अनुभव है कि कोई कोई संबंध का अनुभव है, सर्व संबंध का अनुभव है कि कोई कोई संबंध का अनुभव है, सर्व संबंध से बाप को अपना बनाया है कि कोई संबंध किनारे रख दिया है, सर्व है कि एक दो में अटेंशन जाता है, कोई का भाई में, कोई का बच्चे में, कोई का पोतरे में, नहीं, निभाना अलग चीज़ है, आकर्षित होना अलग चीज़ है। तो नष्टो मोहा हो,
पांडवों को पैसे कमाने में मोह नहीं है, ट्रस्टी होकर कमाना अलग चीज है, लगाव से कमाना मोह से कमाना अलग चीज है। कभी धन में मोह जाता है, थोड़ा थोड़ा जाता है, क्या होगा, कैसे होगा, जमा कर ले, कुछ कर ले, पता नहीं कितने वर्ष के बाद विनाश होता है, 10 वर्ष लगते हैं या 50 वर्ष लगते हैं, ये नहीं आता। नष्टो मोहा बनकर ट्रस्टी बनकर के चलना और मोह से चलना कितना अंतर है। नष्टो मोहा की निशानी क्या होगी? कभी कमाने में, धन संभालने में दुख की लहर नहीं आएगी। कभी कम कभी ज्यादा में दुख की लहर आती है। पोतरा धोतरा थोड़ा बीमार हो गया तो दुख की लहर आती है, नष्टो मोहा है। कुछ भी हो जाए बेफिक्र हो, नष्टो मोहा अर्थात दुख और अशांति का नाम निशान नहीं। ऐसे हो या बनना है तो एक बल एक भरोसा अर्थात जरा भी दुख के लहर की हलचल नहीं हो। सदा ये स्मृति स्वरूप हो कि सदा एक बल एक भरोसे वाले है और आगे भी सदा रहेंगे। खुशी रहे कि मैं ही था, मैं ही हूँ और मैं ही बनूँगा। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1994। सदा बाप के दिल तख्त नशीन, परमात्मा प्यारे बनो तो बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। आप सभी बाप के प्यारे हो ना तो दिल तख्त नशीन हो। तो जो दिल तख्त नशीन है, दिल के प्यारे है, उसका चित्र स्वतः ही दिल में खींचता है। आप सभी क्या कहते हो कि हम सदा कहाँ रहते हैं? बाप के दिल में रहते हो ना, दिल से जुदा हो ही नहीं सकते। कोई की हिम्मत नहीं जो दिलाराम के दिल से आपको अलग कर सके, ये पक्का निश्चय है ना। गीत गाते हो ना, हम जुदा हो नहीं सकते। चाहे सारी दुनिया अलग करने की कोशिश करे तो भी नहीं हो सकते, क्योंकि कोटों में कोई एक आप हो और तो आपके आगे कुछ भी नहीं है। फास्ट ग्रुप की यही निशानी है ना, शरीर छूट जाए लेकिन दिल तख्त नहीं छूट सकता। इतना पक्का है ना, तो ये तख्त किसको मिलता है? जो पद्मा पद्म भाग्यवान है, तो छोड़ेंगे कैसे? चैलेंज करते हो कि भले ट्रायल करो, इतने अटल हो ना। बच्चों की हिम्मत को देख बाप भी बलिहार जाते हैं। दुनिया के आगे फकूर से कहते हो कि हम परमात्मा प्यारे बन गए, इसी फकूर में रहने वाले फिक्र से फारिग हो। फिक्र सब खत्म हो गई ना कि एक दो कोने में रह गया, कोई जेब में छिपा हुआ तो रह नहीं गया। जब बाप साथ है तो बेफिक्र बादशाह हो। बाप को तो सब फिक्र दे दी ना, देने में होशियार हो ना कि संभालने में होशियार हो। देने में भी होशियार हो और लेने में भी होशियार हो। अव्यक्तवाणी डेट है 18 फरवरी 1994। दादी जी से, बेफिक्र बादशाह है इसलिए कार्य सहज होता है। जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं उनको सर्व का सहयोग स्वतः ही मिलता है। सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है और दिल से जो समर्पित है
तो सहयोग भी दिल से सामने आता है। जहाँ दिल का स्नेह है तो सहयोग मिलता है, स्नेह नहीं तो सहयोग नहीं। अव्यक्तवाणी डेट है 26 जनवरी 1995। बिजनेस वाले क्या सोचते हैं? खास आपको चांस मिला है, बिजनेस वालों को बाप से भी बिजनेस कराओ। सिर्फ खुद किया वह तो अच्छा किया, लेकिन औरों को भी बाप से बिजनेस कराओ, क्योंकि आजकल सर्व बिजनेसमैन टेंशन में बहुत है। बिजनेस समय अनुसार नीचे जा रहा है, इसलिए जितना भी पैसा है, पैसे के साथ चिंता है क्या होगा, तो उनको चिंता से हटाए। अविनाशी खजाने का महत्व सुनाओ। तो जितने भी बिजनेसमैन आए हैं, चाहे छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा है, लेकिन अपने हमजिंस कार्य करने वालों को खुशी का रास्ता बताओ। जो भी आप बिजनेसमैन आए हैं, उन्हों को चिंता है क्या होगा, कैसे होगा, चिंता है? चिंता नहीं है तो हाथ उठाओ। कल कुछ भी हो जाए तो बेफिक्र बादशाह है? बिजनेसमैन बेफिक्र बादशाह है? थोड़ों ने हाथ उठाया। जिसको थोड़ा थोड़ा फिक्र है वह हाथ उठा सकते हो या शर्म आएगा? बाप दादा ने टाइटल ही दिया है बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। तो जब भी कोई ऐसी बात आए, आएगी तो ज़रूर, लेकिन आप बेगमपुर में चले जाना, बेगमपुर में बैठ जाना, तो बादशाह भी हो जाएंगे और बेगमपुर में भी हो जाएंगे। आपने ही आह्वान किया है कि पुरानी दुनिया जाए और नई दुनिया आए, तो जाएगी कैसे? नीचे ऊपर होगी तब तो जाएगी। कुछ भी हो जाए आपको बेफिक्र बनना ही है। आपने ही आह्वान किया है पुरानी दुनिया खत्म हो, तो पुरानी दुनिया में पुराने मकान में क्या होता है? कभी क्या टूटता है, कभी क्या गिरता है, तो यह तो होगा ही, नथिंग न्यू। ब्रह्मा बाप का यही हर बात में शब्द था, नथिंग न्यू। होना ही है, हो रहा है, और हम बेफिक्र बादशाह। ऐसे बेफिक्र हो, बेफिक्र होंगे तो देवाला भी बच जाएगा, और फिक्र में होंगे, निर्णय ठीक नहीं होगा तो एक दिन में क्या से क्या बन जाते हैं, यह तो जानते ही हो। बेफिक्र होंगे, निर्णय अच्छा होगा तो बच जाएंगे, टचिंग होगी, अभी समय अनुसार यह करे या नहीं करे। इसीलिए फिक्र माना बिजनेस भी गिरना और अपनी स्थिति भी गिरना। तो सदैव यह याद रखो, बेफिक्र बादशाह है। फिक्र की बात भी बदल जाएगी। हिम्मत नहीं हारो, दिल शिकस्त कभी नहीं हो। हिम्मत से बाप की मदद मिलती रहेगी। बाप मदद के लिए बंधा हुआ है, लेकिन हिम्मतहीन का मददगार नहीं है। आप सोचेंगे कि बाप की मदद तो मिली नहीं, लेकिन पहले यह सोचो, हिम्मत है? हिम्मत है बच्चे की मदद बाप की। आधा शब्द नहीं पकड़ो, बाप की मदद तो चाहिए ना, लेकिन हिम्मत रखी? दिल शिकस्त न होकर हिम्मत रखते चलो तो मदद गुप्त मिलती रहेगी। तो बोलो कौन हो? बिजनेसमैन सभी बोलो कौन हो? बेफिक्र बादशाह हो, यह याद रखना।
हिम्मत कभी नहीं छोड़ना। कुछ भी हो जाए मदद मिलेगी, लेकिन आधा नहीं याद करना, पूरा याद रखना। माताएं बिजनेसमैन नहीं है? है तो माताएं भी बेफिक्र बादशाह। नौकर नहीं बन जाना, मालिक बादशाह बनकर रहना। चिंता है तो उदासी है, उदासी माना दासी बनना, इसलिए बादशाह बनना। अव्यक्तवाणी डेट है 30 नवंबर 1999। जब से ब्राह्मण बने तब आदि से अब तक कितना समय दिल तख्त नशीन स्वराज्य तख्त नशीन रहे। बहुत काल रहा, निरंतर रहा व कभी कभी रहा। जो परमात्मा तख्त नशीन होगा उसकी निशानी प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा बेफिकर बादशाह होगा। अपने मन में स्थूल बोझ तो सिर पर होता है, लेकिन सूक्ष्म बोझ मन में होता है, तो मन में कोई बोझ नहीं होगा। फिकर है बोझ, बेफिकर है डबल लाइट। अगर किसी भी प्रकार का, चाहे सेवा का, चाहे संबंध संपर्क का, चाहे स्थूल सेवा का, रूहानी सेवा का भी बोझ नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, सफलता होगी या नहीं होगी? सोचना, प्लान बनाना अलग चीज है, बोझ अलग चीज है। बोझ वाले की निशानी सदा चेहरे में बहुत या थोड़ा थकावट के चिन्ह होंगे। थकावट होना अलग चीज है, थकावट के चिन्ह थोड़ा भी, यह भी बोझ की निशानी है। और बेफिकर बादशाह का यह अर्थ नहीं कि अलबेले रहे, हो अलबेलापन और कहे हम तो बेफिकर रहते हैं। अलबेलापन यह बहुत धोखा देने वाला है। तीव्र पुरुषार्थ के भी वही शब्द है और अलबेलेपन के भी वही शब्द है। तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ निश्चय होने के कारण यही सोचता है, हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है। और अलबेलेपन के भी यही शब्द है, हो जाएगा, हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है। कोई कार्य रहा है क्या? हो जाएगा। तो शब्द एक है लेकिन रूप अलग अलग है। अव्यक्तवाणी डेट है 30 नवंबर 2002। ब्राह्मण आत्माएं वर्तमान वायुमंडल को देख विदेश में डरते तो नहीं है? कल क्या होगा, कल क्या होगा, यह तो नहीं सोचते हैं। कल अच्छा होगा, अच्छा है और अच्छा ही होना है। जितनी दुनिया में हलचल होगी उतनी ही आप ब्राह्मणों की स्टेज अचल होगी। ऐसे है, डबल विदेशी हलचल है या अचल है? अचल है, हलचल में तो नहीं है ना। जो अचल है वह हाथ उठाओ। अचल है, कल कुछ हो जाए तो भी अचल है ना। क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप ब्राह्मणों के ऊपर परमात्मा छत्र छाया है, जैसे वाटरप्रूफ। कितना भी वाटर हो लेकिन वाटरप्रूफ द्वारा वाटरप्रूफ हो जाते हैं। ऐसे ही कितनी भी हलचल हो लेकिन ब्राह्मण आत्माएं परमात्मा छत्र छाया के अंदर सदा प्रूफ है। बेफिकर बादशाह हो ना, कि थोड़ा थोड़ा फिकर है, क्या होगा, नहीं, बेफिकर। स्वराज्य अधिकारी बन, बेफिकर बादशाह बन, अचल अडोल सीट पर सेट रहो।
सीट से नीचे नहीं उतरो। अपसेट होना अर्थात सीट पर सेट नहीं है तो अपसेट है। सीट पर सेट जो है वह स्वप्न में भी अपसेट नहीं हो सकता। अव्यक्तवाणी डेट है 13 फरवरी 2003। आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का भी हो नहीं सकता। कल्प कल्प के आप बच्चे ही इस भाग्य का अधिकार प्राप्त करते हो। याद है अपना कल्प कल्प के अधिकार का भाग्य? यह भाग्य सर्वश्रेष्ठ भाग्य क्यों है? क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ने इस श्रेष्ठ भाग्य का दिव्य जन्म आप बच्चों को दिया है। जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा है उससे श्रेष्ठ भाग्य और हो ही नहीं सकता। अपने भाग्य का नशा स्मृति में रहता है। अपने भाग्य की लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी लिस्ट है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं आप ब्राह्मणों के भाग्यवान जीवन में। सबके मन में अपने भाग्य की लिस्ट स्मृति में आ गई। स्मृति में लाओ। आ गई स्मृति में, दिल क्या गीत गाती। वह भाग्य विधाता और वह मेरा भाग्य, इस श्रेष्ठ भाग्य की विशेषता यही है। एक भगवान द्वारा तीन संबंध की प्राप्ति है। एक द्वारा एक में तीन संबंध, जो जीवन में विशेष संबंध गाए हुए हैं, बाप शिक्षक सद्गुरु। किसी को भी एक द्वारा तीन विशेष संबंध और प्राप्ति नहीं है। आप फलक से कहते हो हमारा बाप भी है शिक्षक भी है तो सद्गुरु भी है। बाप द्वारा सर्व खजानों की खान प्राप्त है। खजानों की लिस्ट भी स्मृति में आई। स्मृति में लाओ क्या क्या खजाना बाप द्वारा मिल गया। मिल गया है या मिलना है, क्या कहेंगे? बालक सो मालिक है ही। शिक्षक द्वारा शिक्षा से श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हो गई। वैसे भी देखा जाए दुनिया में भी सबसे श्रेष्ठ पद राज्य पद गाया जाता है। तो आप तो डबल राज्य बन गए हो, वर्तमान स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में अनेक जन्म राज्य पद अधिकारी। पढ़ाई एक जन्म की, वह भी छोटा सा जन्म, और पद की प्राप्ति अनेक जन्म, और राज्य भी अखंड अटल निर्विघ्न राज्य। अभी भी स्वराज्य अधिकारी बेफिकर बादशाह हो है? बेफिकर बादशाह बने हो? बेफिकर, थोड़ा भी फिकर नहीं है। देखना जब कोई पपेट शो सामने आता है फिर फिकर होता है। माया का पपेट शो सामने आता है या नहीं, फिर थोड़ा थोड़ा फिकर होता है? नहीं होता। थोड़ा चिंता चिंतन चलता है या नहीं चलता है? वैसे श्रेष्ठ भाग्य अभी से बेफिकर बादशाह बनाता है। यह थोड़ी बहुत जो बातें आती है वह और ही आगे के लिए अनुभवी परिपक्व बनाने वाली है। अव्यक्तवाणी डेट है 30 नवंबर 2004। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों की सभा को देख रहे हैं। यह राज्यसभा सारे कल्प में इस समय ही है। रूहानी फकूर में रहते हो इसलिए बेफिक्र बादशाह हो।
सवेरे उठते हैं तो भी बेफिक्र, चलते फिरते कर्म करते भी बेफिक्र, और सोते हो तो भी बेफिक्र नींद में सोते हो, ऐसे अनुभव करते हो ना? बेफिक्र है, बने हैं वा बन रहे हैं, बन गए हैं ना? बेफिक्र और बादशाह हो, स्वराज अधिकारी इन कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह हो, अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो, तो ऐसी सभा आप बच्चों की ही है। कोई फिक्र है? है कोई फिक्र? क्योंकि अपने सारे फिक्र बाप को दे दिए हैं, तो बोझ उतर गया ना? फिक्र खत्म और बेफिक्र बादशाह बन अमूल्य जीवन अनुभव कर रहे हो। सबके सिर पर पवित्रता के लाइट का ताज स्वतः ही चमकता है। बेफिक्र के ऊपर लाइट का ताज है। अगर कोई फिक्र करते हो, कोई बोझ अपने ऊपर उठा लेते हो, तो मालूम है सिर पर क्या आ जाता है? बोझ के टोकरे आ जाते हैं। तो सोचो, ताज और टोकरे दोनों सामने लाओ, क्या अच्छा लगता है? टोकरे अच्छे लगते या लाइट का ताज अच्छा लगता? बोलो टीचर्स, क्या अच्छा लगता है? ताज अच्छा लगता है ना? सभी कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बादशाह हो। पवित्रता लाइट का ताजधारी बनाती है, इसलिए आपके यादगार जड़ चित्रों में डबल ताज दिखाया है। द्वापर से लेकर बादशाह तो बहुत बने हैं, राजे तो बहुत बने हैं, लेकिन डबल ताजधारी कोई नहीं बना। बेफिक्र बादशाह स्वराज अधिकारी भी कोई नहीं बना, क्योंकि पवित्रता की शक्ति माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत विजयी बना देती है। बेफिक्र बादशाह की निशानी है सदा स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले। कभी भी कोई अप्राप्ति है ही नहीं जो असंतुष्ट हो। जहाँ अप्राप्ति है वहाँ असंतुष्टता है, जहाँ प्राप्ति है वहाँ संतुष्टता है। ऐसे बने हो? चेक करो, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट है। गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के नहीं, लेकिन ब्राह्मणों के खजाने में। संतुष्टता जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है, श्रेष्ठ वैल्यू है, तो संतुष्ट आत्माएं हो ना? अव्यक्तवाणी डेट है 15 दिसंबर 2004। सभी बेफिक्र बादशाह हो कि फिक्र है? जो बेफिक्र बादशाह बने हैं वह हाथ उठाओ। बन गए हैं कि बन रहे हैं? बन गए हैं ना? क्या फिक्र है? जब दाता के बच्चे बन गए तो फिक्र क्या रह गया? मेरा बाबा माना और फिक्र की अनेक टोकरियों का बोझ उतर गया। बोझ है क्या? है? प्रकृति का खेल भी देखते हो, माया का खेल भी देखते हो, लेकिन बेफिक्र बादशाह होकर, साक्षी होकर खेल देखते हो। दुनिया वाले तो डरते हैं, पता नहीं क्या होगा। आपको डर है? डरते हो? निश्चय और निश्चिंत है, जो होगा वह अच्छे ते अच्छा होगा। क्यों? त्रिकालदर्शी बनकर दृश्य को देखते हो। आज क्या है, कल क्या होने वाला है, इसको अच्छी तरह से जान गए हो। नॉलेजफुल हो ना? संगम के बाद क्या होना है, आप सबके आगे
स्पष्ट है ना? नवयुग आना ही है। दुनिया वाले कहेंगे आएगा, क्वेश्चन है आएगा, और आप क्या कहते हैं? आया ही पड़ा है, इसलिए क्या होगा क्वेश्चन नहीं है, पता है। स्वर्ण युग आना ही है। रात के बाद अब संगम प्रभात है, अमृत वेला है। अमृत वेले के बाद दिन आना ही है। निश्चय जिसको भी होगा वह निश्चिंत, कोई चिंता नहीं होगी, बेफिकर। विश्व रचता द्वारा रचना की स्पष्ट नॉलेज मिल गई है। अव्यक्तवाणी डेट है 28 February 2005। सभी का यही पुरुषार्थ है ना? ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, क्योंकि बाप को सब प्रकार के संकल्प व जो भी कुछ प्रवृत्ति का कर्म का बोझ है वह दे दिया है ना? बोझ दिया है या थोड़ा सा रह गया है? क्योंकि थोड़ा भी बोझ फरिश्ता बनने नहीं देगा। और जब बाप आए हैं बच्चों का बोझ लेने के लिए, तो बोझ देना मुश्किल है क्या? मुश्किल है या सहज है? जो समझते हैं बोझ दे दिया है, वह हाथ उठाओ। दे दिया है, देखना, सोच के हाथ उठाना। बोझ दे दिया है, अच्छा, दे दिया है, मुबारक हो। दे दिया है तो बहुत मुबारक हो। और जिन्होंने नहीं दिया है वह किस लिए रखा है? बोझ से प्रीत है क्या? बोझ अच्छा लगता है? देखो, बाप दादा हर बच्चे को क्या कहते हैं? ओ मेरे बेफिकर बादशाह बच्चे। तो बोझ का फिकर होता है ना? तो बोझ लेने के लिए बाप आए हैं, क्योंकि 63 जन्म से बाप देख रहे हैं। बोझ उठाते उठाते सभी बच्चे बहुत भारी हो गए हैं। इसलिए जब बाप बच्चों को प्यार से कह रहे हैं बोझ दे दो, फिर भी क्यों रख लिया है? अच्छा लगता है बोझ? सबसे सूक्ष्म बोझ है पुराने संस्कार का। तो सुना, इस वर्ष स्व के प्रति क्या करना है? शक्तिशाली बेफिकर बादशाह, क्योंकि सभी का लक्ष्य है। किसी से भी पूछो तो क्या कहते हैं? हम विश्व का राज्य प्राप्त करेंगे, राज्य अधिकारी बनेंगे। अपने को राजयोगी कहलाते हैं। प्रजायोगी है क्या? कोई है सारी सभा में जो प्रजायोगी हो? है? जो प्रजायोगी हो राजयोगी नहीं हो? टीचर्स कोई है? आपके सेंटर पर कोई प्रजायोगी है? कहलाते तो सब राजयोगी है, हाथ कोई नहीं उठाता प्रजायोगी में। अच्छा नहीं लगता ना? और बाप को भी फकूर है। बाप दादा फकूर से कहते हैं कि संगम पर भी हर बच्चा राजा बच्चा है। कोई बाप ऐसे फलक से नहीं कह सकता कि मेरा एक एक बच्चा राजा है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी है। प्रजा योगी में तो हाथ नहीं उठाया ना, तो राजा हो ना, लेकिन ऐसा ढीला ढाला राजा नहीं बनना जो ऑर्डर करो और आवे नहीं। कमज़ोर राजा नहीं बनना। 3 मास में हर एक अपना चार्ट चेक करना, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान होकर किसी भी कर्मेंद्रिय को, किसी भी शक्ति को जब ऑर्डर करे, जो ऑर्डर करे वह प्रैक्टिकल में ऑर्डर माना या नहीं माना।
अव्यक्तवाणी डेट है 31 दिसंबर 2005। बाप अकूट खजाने के मालिक है, बेहद का खजाना है, इसलिए हर एक बच्चा अकूट खजाने का मालिक है। बाप दादा ने सर्व बच्चों को एक जितना एक जैसा दिया है, लेकिन धारण करने वाले कोई सर्व खजाने धारण करने वाले हैं और कोई यथाशक्ति धारण करने वाले हैं। कोई नंबर वन है और कोई नंबर वार है। जिन्होंने जितना भी धारण किया है उन्होंने चेहरे से नैनों से खजानों का नशा स्पष्ट दिखाई देता है। खजाने से भरपूर आत्मा चेहरे से नैनों से भरपूर दिखाई देती है। जैसे स्थूल खजाना प्राप्त करने वाली आत्मा के चलन से चेहरे से मालूम पड़ जाता है, तो यह अविनाशी खजानों का नशा खुशी स्पष्ट दिखाई देती है। संपन्नता का फकूर बेफिक्र बादशाह बना देती है। जहाँ ईश्वरीय फकूर है वहाँ फिकर हो नहीं सकता। बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। तो आप सभी ईश्वरीय संपन्नता के खजाने वाले बेफिक्र बादशाह हो ना, बेगमपुर के बादशाह हो। कोई फिकर है क्या? कोई गम है? क्या होगा, कैसा होगा, इसका भी फिकर नहीं। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले जानते हो, जो हो रहा है वह सब अच्छा, जो होने वाला है वह और अच्छा। क्यों? सर्वशक्तिवान बाप के साथी हो, साथ रहने वाले हो। हर एक को नशा है, फकूर है कि बाप दादा सदा हमारे दिल में रहते हैं और हम सदा बाप के दिल तख्त पर रहते हैं। तो ऐसा नशा है ना, जो दिल तख्त नशीन है उसके संकल्प तो क्या, स्वप्न में भी दुख की लहर लैस भी नहीं आ सकती उसमें। क्यों? सर्व खजानों से भरपूर हो। जो भरपूर चीज़ होती है उसमें हलचल नहीं होती। अव्यक्तवाणी डेट है 28 मार्च 2006। अच्छा, ओम शांति।